चेक कर लो उस टाइम पे, ठीक है? यस चलिए, ठीक है। तो मैं किसी को भी बोल दूंगी कॉपी शो करने के लिए, सभी मुझे कॉपी सिर्फ दिखाएंगे जिसको भी मैं बोलूंगी। चलिए, तो पिछली क्लास में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था भिन्नों का जोड़, ठीक है? फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि किसी के क्वेश्चन आज हम पोल में करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लेते हैं दो संख्याएं, 3/11 और 4/11, मतलब थोड़ी सी छोटी संख्या, चलो 11 ही ले लेते हैं, 10, ठीक है? 3/11 और 4/10, या फिर छोटी से ही शुरू कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना। 3/8 और 4/3 को हमें जोड़ना है, 3/8 और 4/3 को जोड़ना है। फिर से सभी बच्चे देखेंगे आज थोड़ा सा ना अलग तरीका करते हैं तो समझने का। तो आपको पता है जब हर हमारे अलग हो, सबसे पहले एलसीएम, सभी बच्चे एलसीएम करेंगे और मुझे शो करेंगे कॉपी में एलसीएम करके क्या आया, 8 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? सभी बच्चे कॉपी में करो और फिर मुझे कॉपी शो करो, क्या आया 8 और 3 का एलसीएम? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कितना आया 8 और 3 का? यस, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है, गुड बेटा, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट। बाकी और किसने किया 8 और 6 का एलसीएम, 3 का एलसीएम? कॉपी शो करेंगे, बिल्कुल जिस कॉपी में लिखते हैं वो कॉपी मुझे दिखनी चाहिए। मैम मैंने सारी कॉपी कंप्लीट कर ली। वेरी गुड, वो कॉपी में ना आप सब चीजें लिखोगे जो मैं आपको करवाती हूँ, तो सभी ने ऐसे ही किया होगा। 8 और 3 का आपको पता है सबसे छोटी संख्या से हम उसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से विभाजित हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 3 नहीं होगा उसे ऐसे उतार दो, 2 दूनी 4, 3 नहीं होगा, फिर 2 एकम 2, जब तक 2 से कटना जाए तब तक काटते रहो। अब 3 से जाएगा, यस, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 आया एलसीएम, ठीक है? तो चैट सेक्शन में भी काफी बच्चों ने 24 लिखा है। अगला स्टेप, अब मैं बोल रही हूँ ना इसको करने का हम थोड़ा अलग तरीका करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि ऊपर जो संख्याएं है ना उनको उतार देती हूँ, 3 गुणा लगाओ, उसके बाद फिर एक बॉक्स बना लो, बीच में प्लस का साइन है यहाँ प्लस लगा लो, 4 उतार दो, गुणा लगाओ, फिर एक बॉक्स बना लो। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना वो ये अप्रोच कर लो, इससे आ जाएगा। अगला तरीका, ऊपर वाली संख्या लिखनी है, गुणा लगाना है, बॉक्स बनाना है, फिर प्लस का चिन्ह जो यहाँ है, ऊपर वाली संख्या लिखनी है, गुणा लगाना है, बॉक्स लगाना है। अब आते हैं नीचे वाली संख्या पे, 8 के पहाड़े में 24 तो आता ही है, कितना आता है 8 3 24, तो जहां बॉक्स है वहां 3 लिख दो, 8 3 24 होता है। फिर आते हैं 3 की बारी, 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है, 3 8 24, 3 8 24, कर सकते हैं ये वाला अप्रोच? ये यहाँ तक सभी को समझ में आया कैसे किया मैंने? मैम एक बार और समझा दो। देखो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम समझ में आया, 24 आ गया, एलसीएम तक क्लियर है। एलसीएम के बाद मैंने क्या किया, ऊपर वाली जो संख्या है ना दोनों की मैंने उतार ली, 3 लिखा है 3 उतार लिया, फिर गुणा लगाना है, उसके बाद फिर एक बॉक्स बना देना है खाली, यस, जिसका हो गया वो चैट में आंसर कर दो, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है दोनों संख्याओं के बीच में तो प्लस लगा दो, फिर ऊपर प्लस 4 लिखा हुआ है 4 लिखो, फिर गुणा, फिर एक बॉक्स। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का काम है। अब नीचे वाली दोनों संख्या, तो 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है बेटा, नीचे से नीचे को देखो, 8 के पहाड़े में 24 3 बार आता है, 8 3 24, तो जहां पहला वाला बॉक्स खाली वहां 3 लिख दो, 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है, 8 बारी, तो दूसरे वाले बॉक्स में 8 लिख दो। अगला स्टेप सभी को पता है, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, 4 को 8 से गुणा करोगे 32 आएगा, 32/24, दोनों को जोड़ो, अब हर हमारे समान हो गए, यस, 41/24, ऐसे कर सकते हो। मतलब ये उनके लिए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ऊपर की संख्याएं कैसे लिखें, ऐसा समझ में आ गया? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी में नोट करेंगे सब।
बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बेटा प्लीज टाइम पे क्लास में आया करो, जो बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं, टाइम पे नहीं आओगे तो फिर कॉन्सेप्ट मिस होगा। सभी ने उतार लिया, रब कर दो। अगला क्वेश्चन, कर दो, ये बंद करने को बोल रखा ना। ठीक है अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, बिल्कुल इसी अप्रोच से करना है, इसी तरीके से करना। ठीक है अगला क्वेश्चन है, 3/12 प्लस 1/4। एक मिनट बेटा, एक मिनट है, इसको चेंज कर लो जरा नीचे, इसको कर लो 8। 3/8 और 1/4, 3/8 और 1/4 को जोड़िए। बेटा बार बार मैं बोल रही हूँ, जोड़ अगर सीख गए तो घटाना आराम से सीख जाओगे, ठीक है, संख्याओं को। बिल्कुल वही, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, 8 और 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा 8 और 4 का एलसीएम। आठ और चार का एलसीएम 8 आएगा, ठीक है, गुड। चलो देखते हैं, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करो। पहले मैं एलसीएम लेती हूँ 8 और 4 का, 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यस 8 ही आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एलसीएम आ गया 8। चलो एलसीएम वाले स्टेप तक हो गया, अगले स्टेप में क्या करते थे, क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या ऐसी उतार लो 3, फिर लगाओ गुणा, फिर बॉक्स बना दो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, ऊपर वाली संख्या उतारो 1, गुणा, फिर बॉक्स बना दो। अब आया है नीचे वाली संख्याओं का काम, 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, जो एलसीएम लेके आया उसको देखते हैं, 8 के पहाड़े में 8 एक बार ही आता है, 8 एकम 8, इस वाले बॉक्स में 1 लिख दो। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 2 बार, 4 दुनी 8, तो 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, बस यही सबसे मेन स्टेप है, इसके बाद तो आप कर ही लेते हो। 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आएगा, पीछे प्लस का निशान, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, 8/2, 5/8 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ, 5/8, क्लियर सभी को, क्लियर? कोई बच्चा अभी भी रह गया ना जिसे नहीं समझ में आया, पूछिए। सभी को आगे समझ, इस वाले तरीके से कर लो ना, इससे कभी गलत नहीं होता, ठीक है। चलो तो रेडी आप सभी लोग, पोल में क्वेश्चन करोगे, क्योंकि अगर समझ में आ गया फिर पोल में सभी का आंसर सही होना चाहिए, ठीक है बेटा, इसीलिए मैं आपको पहले करवाती हूँ, पूछती हूँ। पोल में तभी क्वेश्चन मिलेगा जब आप लोग एकदम रेडी हैं कि हाँ हम आप एकदम सही करेंगे पोल में, ठीक है। चलिए कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो, एकदम सही से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कहता है, 9/14 और 5/21 को जोड़। 9/14, 5/21, सबसे पहले 14 और 21 का एलसीएम लो, 14 और 21 का एलसीएम करिए, हो जाएगा, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, डबल चेक कर लेंगे क्वेश्चन को सभी, ठीक है। वेरी गुड, करिए, इतनी जल्दी भी आंसर नहीं आएगा बेटा, इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी पोल में आंसर कर रहे हो आप लोग, डबल चेक करिए, डबल चेक करें।
जिसने भी अभी आंसर किया है पोल में गलत है उसका, कि वही जल्दीबाजी में हुआ, इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं है ना। बार बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, जब तक क्लास चल रही है क्लास में रहना है आप लोगों ने, ठीक है? जब तक क्लास चल रही है क्लास में ही रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन नहीं कर पाओ। जी बढ़िया, सही जा रहा है। कोई जल्दी नहीं है, अपना टाइम दो, आराम से करो, डबल चेक करो क्वेश्चन को, जो मैं बार बार बोलती हूँ, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जिसको नहीं आ रहा ना, कॉपी में नोट डाउन किया, इससे पहले दो क्वेश्चन हल करे हमने ऐसे ही, तो स्टेप बाय स्टेप वहीं से देख देख के करो आप लोग, हो जाएगा। देखिए कितना सही कर रहे हैं आप लोग, टाइम ले रहे हो बिल्कुल आराम से कर रहे हो, तो गलत नहीं हो रहा है, यही मैं बोल रही हूँ आपसे। और एक चीज मैंने और नोटिस करी है ना, पोल में सभी बच्चे आंसर नहीं करते हो, सभी को करना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दो क्वेश्चन का आंसर करते हैं फिर करते ही नहीं है, जितने क्वेश्चन है सभी का आंसर करना है, जो आ रहा है वो करो, पोल में ही करो। बढ़िया, देखो बेटा अभी सिर्फ 15 ही बच्चों के आंसर आए हैं और हम 31 लोग हैं क्लास में। मतलब सिर्फ आधे ही बच्चों का है, आधे और रह गए। देखो बेटा थोड़ा टाइम मैं लूंगी आज, ठीक है? क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो उसे सीखना, तो थोड़ा टाइम शुरू में लगेगा। जिनके पास चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, थोड़ा वेट कर लो, मैं अभी चैट ऑप्शन ऑन करती हूँ, पहले पोल में देख लेते हैं किस तरीके से जा रहा है। देखो सही जा रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत सही। सिर्फ दो बच्चों का गलत है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जा रहा है अभी, ये मीन्स आप लोगों को समझ में आ रहा है, और यही चीज मैटर करती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड जो है ना कैलकुलेशन की, वो प्रैक्टिस से ही आती है, पर उससे पहला स्टेप होता है कि आप चीजें मतलब क्वेश्चन सही करो ना, स्पीड अपने आप आ जाएगी बाद में थोड़े टाइम में। स्पीड आएगी, आपको होमवर्क मिलता है, क्वेश्चन करो उसमें जितना हो सके, आ जाएगी स्पीड। गुड गुड, लास्ट के 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड्स दे दो, काउंट डाउन शुरू। यस, 5 4 3 2 1।
टू वन। वेरी गुड बेटा, मतलब सिर्फ 3 बच्चों का गलत है और सभी का ठीक है, क्योंकि तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए। गुड, बहुत बढ़िया, इतना सही है, सिर्फ 3 बच्चों का गलत है। कोई बात नहीं, जिन 3 बच्चों का गलत है हम सीख लेंगे, वो भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 14 और 21 का, तो 3 से जाएगा, छोटी संख्या से काटते हैं ना, 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 सत्ते 21, ठीक है। सॉरी, 3 से पहले ना 2 से काटो इसे, 2 के पहाड़े में 14 आता है ना, 2 सत्ते 14, 21 का 21, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आएगा, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, एलसीएम तो इसका 42 आया बेटा, 42 आया, ठीक है। अगला स्टेप क्या बोला, ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में जो चिन्ह है वो लगाओ, ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब अगला स्टेप, नीचे वाली संख्याओं को कंपेयर करो, 14 के पहाड़ में 42 आता है, यस आता है, 14 तिया 42 होता है, 14 3 जो 42, ऊपर 3 आ जाएगा, 21 के पहाड़ में 42 आता है, हाँ 2 बार, 21 दूनी 42, तो यहाँ कर दो 2 से गुणा, बस हो गया क्वेश्चन। 9 को 3 से गुणा करो 27, प्लस 5 को 2 से करो 10/42, 27 और 10 हो जाएंगे 37/42, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, यस डी इसका सही उत्तर है। क्लियर सभी को, जिसको जिसको क्लियर है चैट में वाई लिखो, जिसको नहीं क्लियर दोबारा पूछो, दोबारा पूछो जिसको नहीं आया समझ, कोई भी स्टेप, यस वेद प्रकाश राजपूत के नाम से जो है बेटा, कौन से स्टेप में नहीं समझ में आया, मैम जो ऊपर आपने बताया था, हाँ कौन सा, ये वाला, ये वाला, इस बेटा माइक ऑन करके बताओ, ये वाला स्टेप बोल रहे हो, ऊपर वाला, हाँ मैम जी, हाँ यही वाला ना, तो बस मैंने आपको पिछली बार क्या बोला था, ऊपर वाली संख्या उतार दो, गुणा का चिन्ह और बॉक्स बनाओ। अब 14 के पहाड़ में 42 आता है, हाँ यस मैम, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, 14 तिया 42 होता है, तो बॉक्स इसीलिए बनाए कि आप ये लिख सको कौन सी संख्या आएगी। अब 14 हो गया, अब नीचे कौन सी संख्या, 21, 21 के पहाड़े में 42 आता है, हाँ आता है, 21 दूनी 42, यस बेटा वही समझा रही, दोबारा देखो 2 से गुणा, सबसे पहले तो एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लोगे 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, ऊपर वाली संख्या ऐसी उतार दो, 9 की जगह 9, फिर गुणा लगाना है, हर स्टेप में यही करना है, हर जोड़ के क्वेश्चन में, फिर एक बॉक्स आप खाली रखोगे, बीच में जोड़ का निशान, फिर ऊपर वाली संख्या उतारी 5, फिर गुणा का निशान, फिर एक बॉक्स। अब 14 के पहाड़ में 42 आता है, यस 14 तिया 42, तो खाली बॉक्स में 3 लिख दिया, 21 के पहाड़ में 42 आता है, यस 21 दूनी 42, तो इस वाले बॉक्स में 2 लिख दिया, बस 9 को 3 से गुणा करो 27 आएगा, 5 को 2 से गुणा करो 10 आएगा, 27 और 10 जोड़े 37, 37/42, क्लियर है अब, यस मैम, मैम फिर सुना दो, अभी आए हम, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। काम करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, यस मैम, और क्वेश्चन करवा रही हूँ कि अगले वाले में समझाऊंगी, ठीक है। चलिए ये तो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस हो गए, अब क्वेश्चन है थोड़े अलग तरीके के आएंगे, अलग तरीके के कैसे, मिश्र भिन्न को जोड़ना, मिश्र भिन्नों को जोड़ना, अगर मैं बोलू 1 1/2 को जोड़ो, ठीक है, 3/5 में एक मिश्र भिन्न है और एक उचित भिन्न है, जोड़ो कैसे जोड़ोगे, सबसे पहला स्टेप आपको पता है, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे, बदलो इसको गुणा करो, ऊपर जोड़ो, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया 3/2 और 3/5 को जोड़ना है, बन गया, अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल ध्यान से देखो जिसे समझ में नहीं आया। अगला स्टेप, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 5, 5 एकम 5 10 ही आने वाला है, एलसीएम आ गया 10। अगला स्टेप मैंने आपसे बोला, ऊपर वाली जो संख्या है ना, यहाँ 3 है, 3 को उतार दो बीच, फिर गुणा लगाओ, फिर बॉक्स लगाओ,
यस, जिसका हो गया चैट सेक्शन में कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह में प्लस लगाओ, ऊपर वाली संख्या फिर से तीन है, तीन उतारो, गुणा लगाओ, फिर बॉक्स बनाओ। अब इसके बाद अगला स्टेप है, मुझे हर को देखना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, दो के पहाड़े में 10 कितनी बार आएगा, 5 बार, 2 पंजे 10, तो यहाँ बॉक्स में 5 आ गया। इस 5 के पहाड़े में 10 आएगा, हाँ आएगा, कितनी बार आएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 आ जाएगा। एक बार इससे देखना है, एक बार इससे देखना है, दोनों से देखना है, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 बटे 10, 15 और 6 21, 21 बटे 10। क्लियर सभी को क्वेश्चन? यस मैम। रिया शर्मा के नाम से जो है बच्चा, क्लियर बेटा? मैम हो गया। अच्छा, आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उत्तर लोगे ना, मतलब भले ही वो मिश्र भिन्न के रूप में आए या अनुचित भिन्न के रूप में आए, उचित भिन्न के रूप में, सबका स्टेप वही है। यस मैम, करना वही है आपको, कुछ नया नहीं। यस मैम, मेरे समझ आ गया। अच्छा, अभी भी कोई बच्चा बच्चा है जिसे नहीं आया तो प्लीज पूछ लो। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में आपको दे रही हूँ चैट सेक्शन में, फिर हम पोल में करने वाले हैं, ठीक है? रब कर दूँ, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ करते हैं, फिर पोल में करें, पोल में फिर काफी क्वेश्चंस हैं, फिर पोल में ही करेंगे लगातार। चलिए, क्वेश्चन है 2 1 बटे 3 प्लस 4 2 बटे 5, इनको जोड़ो, दोनों मिश्र भिन्न है, दोनों मिश्र भिन्नों को जोड़ना है। सबसे पहला स्टेप, चेंज करो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन एलसीएम लेंगे, फिर स्टेप आपको पता ही है। क्लास से मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा, और जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे ना, मुझे अपनी अपनी कॉपी भी दिखा देना, मैं कॉपी में चेक करूंगी, ठीक है, जिस कॉपी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। यस, देखो, यस बेटा, कुछ डाउट है? यस, एलसीएम सही लिया है, 2 6 7, बढ़िया, करेक्ट है बेटा, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। यस, वेद प्रकाश के नाम से बच्चा है, कुछ डाउट है बेटा क्वेश्चन मार्क में? जिसका जिसका हो गया मुझे अपनी अपनी कॉपी दिखा दो, मैं कॉपी में बता दूंगी आपने सही किया या नहीं किया। आपका राइट है या नहीं है? अच्छा, चेक कर लेती हूँ, कॉपी दिखा दो बेटा, अभी तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैं कॉपी में देखूंगी, कॉपी में स्टेप वाइज बताऊंगी। दिखाओ बेटा, विजय के नाम से जो बच्चा है, कॉपी दिखा दो मुझे, वीडियो ऑन करके कॉपी दिखा दीजिए। कॉपी में ये होगा ना, मैं आपका स्टेप भी गलत जहां हुआ है वो बता दूंगा, जहां गड़बड़ करेगी। एक मिनट, एक एक का चेक करूंगी। यस बेटा, आपकी कॉपी में ना बहुत लाइट लाइट शो हो रहा है, कोई बात नहीं, एलसीएम तक तो सही किया आपने। हाँ, अब ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, क्लियर, एकदम सही है, अतवारी देवी के नाम से जो है। देन निदा, निदा दिखाओ कॉपी बेटा, सीधी रखो इसे आपने, हाँ ऐसे रखिए, यस गुड, यस बेटा, एक एक करके देवेंद्र के, दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा भी देखते हैं, रुको बेटा, बेटा क्लियर नहीं है निदा, आपकी कॉपी ना मुझे साफ शो नहीं हो रही है, हाँ ऐसे ठीक है, हाँ सही है निदा, क्लियर, गुड। नेक्स्ट, दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है, यस एकदम सही है, सही है। नेक्स्ट, और किसे दिखानी है कॉपी हमको? हाँ दिखाओ बेटा, कॉपी दिखाओ,
यस नो बेटा, कहीं गड़बड़ हुई है। हाँ थोड़ा, हाँ बीच में रखो, हाँ यही रखो। एलसीएम गलत लिया है, 3 और 5 का एलसीएम दोबारा लो। 5 क्यों लिया? मैम मेरा दोगुना। दोनों संख्याएं 5 नहीं बेटा, एक संख्या 3 1 5 है। 3 और 5 का एलसीएम लेना है आपने, गलत लिया है आपने। दोनों जगह 5 5 लिखा है, देखो चेक करो दोबारा। मैम सॉरी। हाँ देखा, ये फायदा होता है कॉपी दिखाने का कि मैं उसी टाइम आपको गलती बता दूं। यस, और यस आकाश कुमार के नाम से जो है, गुड। ये थोड़ा सा जूम करो बेटा। हाँ सही है, निधि के नाम से जो बच्ची है, क्लियर, गुड। नेक्स्ट, चले काफी सारे बच्चों के आंसर्स आ गए हैं बेटा। जो बैक कैमरा होता है ना, उस पे ऐसे ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा सबसे ऊपर, इस पे क्लिक करना है। ये बैक कैमरे के लिए होता है, फोन की स्क्रीन में सबसे ऊपर आता है। यस, रिया के नाम से जो बच्चे, बेटा इस बार एलसीएम तो आपने सही किया, लेकिन देखो ऊपर जो हर है, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 5 बार। वो तो सही किया, लेकिन 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 5 ही बार आता है। 22 को आपने 5 से गुणा करा है, 5 के पहाड़े में 15 तो 3 बार आता है, तो 22 को 3 से गुणा करोगे या 5 से करोगे? चेक करो। यस चंचल, वेरी गुड। चंचल के नाम से जो है, यस विजय शर्मा के नाम से जो है, गुड, एकदम बढ़िया। ठीक है, रीना के नाम से जो बच्चे, उसका चेक कर लेते हैं, गुड है बेटा, सही है। चलो बाकियों का ना मैं नेक्स्ट में चेक करूंगी। अब मैं सॉल्व करवाती हूँ। जितने भी बच्चों ने दिखाया, काफियों का सही था और काफियों की जहां गलती थी मैंने बता दी। सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 4 पंजे 20 और 2 22/5। ये सभी का यहाँ तक एकदम सही होगा, क्योंकि ये तो आपको आता ही है। फिर आपने एलसीएम लिया 3 और 5 का, 3 से जाएगा चलिए कॉमा 5, फिर 5 से, 3 पंजे 15 आएगा एलसीएम। ये भी सभी ने सही किया था। अगला स्टेप जो मैंने बताया, ऊपर वाली संख्या उतार लो, 7 गुणा बॉक्स लगा दो, बीच में प्लस का साइन है। अगली संख्या 22 जो लिखी है, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब नीचे नीचे की संख्याओं को देखो, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार, 3 पंजे 15, तो यहाँ 5 आएगा। 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार, 5 तिया 15, 7 पंजे 35, 22 तिया 66, 67/15, 6 5 11, 81, 6 3 9 1 10, 101/15, 101/15। तो काफी सारे बच्चों का यही आंसर है, 101/15। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करने हैं क्वेश्चन, क्लियर सभी को? अब कोई ऐसा बच्चा बच्चा है जिसे एडिशन नहीं आएगा? मैं एडिशन में इतना टाइम इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी सेम है, एडिशन आ गया सब्ट्रैक्शन भी कर लोगे। मैम चलो अब मैं पोल में दे रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? पोल में करना। ओके देखो, 13/2 और 4 1/2 को जोड़ना है। अब यहाँ ध्यान देखोगे, दोगे तो दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है। 1 मिनट बेटा, पोल में देती हूँ क्वेश्चन। बस एक चीज आपने नोटिस करनी है कि दोनों का हर समान है। पीजी कॉपी में पोल में आ गया होगा क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से करो, जो मैं बार बार बोल गई। गुड, आराम से कर। और सरलतम रूप भी लिखना है आपने, जो संख्या आपस में कटती है ना उनको काटना भी होता है, ये पता है ना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा? मुझे तो आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना, मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अभी भी नहीं आ रही मेरी आवाज?
देखो गलत करने लग गए हो बेटा, सरलतम रूप में भी लिखना। अभी आ रही है आवाज किशन के नाम से बच्चे। गुड, थोड़ा सा गलत जा रहा है बेटा, माइक ऑन करके बता दो। माँ आपकी आते हैं आवाज नहीं आ रही। बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। हो गया। ठीक है, देखो गड़बड़ हो रही है ना, अभी मुझे लग रहा है देख के कि क्वेश्चंस थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। काटना है ना उसमें। सरलतम रूप भी लिखना है, जो संख्याएं आपस में कटेंगी ना लास्ट में काट भी देना। अगर दोनों संख्या एक पहाड़े में आ रही है तो काट भी देना, कैंसिल करते हैं हम, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। अभी आवाज आ रही है बेटा, आ गई आपकी आवाज। आ गई ना। यस मैम। देखो बेटा गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखो। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है, सरलतम रूप लिखना है, दोनों का हर समान है, हर समान होता है तो मुझे यहाँ पे एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। हर समान है तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत ही क्यों है? एलसीएम तो हम तभी लेते हैं ना जब हर समान नहीं होता, याद करो। एलसीएम तभी लेना है जब दोनों के हर समान ना हो, या तो उसमें भी दो है उसमें भी दो है, तो हर को एलसीएम लेना ही क्यों है? डायरेक्ट जोड़ना है आपने, ये से जोड़ो और सरलतम रूप लिखो, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखिए। ठीक है, देखो आधे बच्चों का सही है, आधों का गलत है, तो गड़बड़ है फिर इस क्वेश्चन में, या आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है? काटा नहीं होगा। चलिए कीजिए, बाकी बच्चे भी जल्दी करो बेटा। 36 बच्चे क्लास में हैं और सिर्फ 20 बच्चों का आंसर आ रहा है ना, तो मैं तो इसे अभी भी आधा ही मानूंगी। पोल में आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना है। गुड, वेरी गुड। अभी भी थोड़े टीचर रह गए जिन्होंने पोल में नहीं किया, और मैं ये बोलती हूँ मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा करता है कौन नहीं करता पोल में आंसर, सभी के नाम मुझे पता है। गुड, इसी तरीके से रिस्पॉन्स करो, बढ़िया। आखिरी के 5 सेकंड्स बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो बाकी पहले क्वेश्चन से भी इजी है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी सभी बच्चे चैट में कर दो। पता है इस क्वेश्चन में क्या, आधे से भी कम बच्चों का आंसर सही है। अब जो बच्चे ना जिन्होंने जो आंसर लगाया वही करो, जो आंसर लगाया वही टाइप करना चैट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगाया है, तो मैं काउंट भी करूंगी
जितने बच्चों ने ए लगाया है, जितनों ने बी लगाया है, जितनों ने सी लगाया है या डी लगाया है, जो भी लगाया है। देखो बी ऑप्शन ना, बी ऑप्शन मुझे वैसे भी पोल में सबसे ज्यादा दिख रहे थे। तो देखो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि आपको इसको अनुचित में चेंज करना है। चार दुनी आठ और एक नौ, ये तो 9/2 हो गया। अब मैंने कहा आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही क्या है, एलसीएम तो हम तभी लेते हैं ना जब हर समान हो, समान है, सेम है। तो डायरेक्ट 13 और 9 को जोड़ना है मुझे। 13 और 9 को जोड़ो कितना आएगा, 22 आएगा, 22/2। अब 2 के पहाड़े में 22 आता है, हाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आया इसका उत्तर। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, एडिशन का मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई नहीं होगा। मैम कंफ्यूज हो गए थे। यस वेरी गुड बेटा। हाँ देखो अप्रोच सही है, एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, बट टाइम वेस्ट नहीं करना। जब हर समान है तो एलसीएम मत लो, डायरेक्ट जोड़ दो। क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। मैम एक बार और समझा दो। देखो बेटा आपने यहाँ तक तो कर लोगे ना, इसे 9/2 ही तो लिखोगे अनुचित भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ तक कर लिया, बस आपको साफ दिख रहा है कि दोनों के भिन्न, सॉरी दोनों के हर समान है, तो हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है डायरेक्ट जोड़ दो, एलसीएम नहीं लेना फिर। अगर नीचे दोनों संख्याएं समान है, एक जैसी है, 13 9 को जोड़ा 22 आया, 2/2 दो तो रहेगा, 2 से 22 को काटो 11 आएगा, 11 उत्तर। 2 से 22 को काटोगे 11 ही तो आएगा। यस मैम। यस मैम आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। यस मैम। चलो अब मैंने आपसे बोला जैसा जोड़ है ना वैसे ही घटाव है। अब घटाव आप खुद करेंगे, सेम यही लगाना है, बस अंतर क्या है, बीच में प्लस की जगह माइनस साइन है। सभी बच्चे ट्राई करो, बीच में प्लस की जगह माइनस है, एलसीएम लो, सेम वही करो जो जोड़ में कर रहे हो, बस जहां बीच में प्लस का साइन है और कुछ अलग नहीं है, सेम ट्राई करो और चैट सेक्शन में आंसर करो। सेम पहले जैसा ही है, बस माइनस का अंतर। गुड यस। और जिनका हो जाए ना कॉपी शो कर देना मुझे, ठीक है? यस करेक्ट, एलसीएम सही है। आगे दिखाओ, नीचे करो कॉपी, नीचे करो, ठीक है एकदम करेक्ट बेटा। नेक्स्ट और किसका हो गया, कॉपी दिखाओ। यस एक और बच्चा, एकदम करेक्ट बेटा, अतवारी देवी के नाम से जो एकदम करेक्ट। एक नेक्स्ट है आकाश के नाम से जो बच्चा है, यस आकाश के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइनस वाला थोड़ा नीचे करो कॉपी, मतलब थोड़ा ऊपर को करो, माइनस वाला शो करो। मम्मी चुप। अभी बेटा ढंग से शो नहीं हो रही कॉपी। यस मुझे ढंग से दिखानी। चलो चंचल के नाम से जो बच्ची है, यस बेटा चंचल एकदम सही किया है, पर आप ना वो स्टेप जरूर लिखो कि आपने डायरेक्ट ना 3/4 - 2/3 को 9 - 8/12 लिख लिया है। आपने वो स्टेप मिस कर दिया कि गुणा भी करते हैं हम, वो भी लिखना है, ठीक है? स्टेप कोई भी मिस नहीं करना। यस यस दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट, गुड वेरी गुड। निधि के नाम से जो बच्ची है, गुड गुड। नेक्स्ट रीना के नाम से जो बच्ची है, बेटा थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा कॉपी कैमरा और आगे को ले जाओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और,
नो बेटा, कुछ गड़बड़ करी है, कुछ तो गड़बड़ है। आपका 6 पहले आ रहा है, 8 बाद में आ रहा है। 6 पहले आ रहा है, 8 बाद में आ रहा है, उस हिसाब से तो माइनस की संख्या होगी, कुछ गड़बड़ है। अभी चलो मेरा देखना क्वेश्चन। चलिए बेटा मैं करवाती हूँ, बाकी जिनका नहीं देखा वो यहाँ देखो। देखिए सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेना है, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 ही आने वाला है, ठीक है 12 आएगा। अगला मैंने बोला सेम पहले जैसे ही है, 3 गुणा बॉक्स, अब बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, 2 गुणा बॉक्स। 4 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ 4 3 12, ठीक है 3 के पहाड़े में 12 आता है, यस 3 चौके 12। 3 को, अच्छा 3 को 3 से, किसी बच्चे ने मुझे दिखाया था उसने 6 लिखा है, ये गड़बड़ करिए बेटा, 9 आएगा वहां। 3 को 3 से आपने गुणा करके 6 लिख दिया, 9 लिखो, माइनस 2 चौके 8 बटे 12, 9 में से 8 गए 1 बटे 12। उसने दिखाया था मेरे ख्याल से निधि के नाम से जो बच्ची है, उसने शायद ये किया था, मुझे ढंग से याद नहीं है, बट क्लियर हो गया, सेम है ना एडिशन जैसा ही, ये अलग है कुछ? सेम है ना, ये चलो सेम है। पोल में करोगे क्वेश्चन मैम? पोल में नहीं करना मैम, थोड़ा जी करना है मैम, अभी नहीं करना, एक बार और दूसरा क्वेश्चन दे दो मैम। बेटा चलो ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं इस बार। इस बार करो 2/14 में से घटाओ 1/7, ये 1/7 सही है, कीजिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पर देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। सेम वही 14 और 7 का एलसीएम लो, क्या आएगा? सेम वही अप्रोच। हाँ 0/14 को हम क्या लिखते हैं आगे? 0/14 को क्या लिख सकते हैं? यस, जिसका हो गया कॉपी शो कर दो, यस 0, गुड वेरी गुड बेटा, यस जिनका हो गया मुझे कॉपी शो कर दें। यस निदा, थोड़ी कॉपी बेटा जूम करो निदा, सही है ठीक है। नेक्स्ट है रीना के नाम से बच्ची है वो, सही है बेटा गुड। नेक्स्ट ठीक है ठीक है। नेक्स्ट दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है, सही है। सागर के नाम से जो बच्चा है, सागर के नाम से जो बच्चा है, एकदम सही है ठीक है। दीदी बेटा माइक म्यूट करो, जो भी आवाज लगा रहे हो किसी को भी। यस निधि के नाम से जो बच्ची है बेटा, थोड़ा सा ज़ूम करो, ठीक 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 चलिए। शिवानी के नाम से जो बच्ची है शो करो, करेक्ट बेटा गुड वेरी गुड। सरोज के नाम से जो बच्ची है, गुड एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने दिखा दिया वेरी गुड, बाकी नेक्स्ट उसमें। तो 14/7 का एलसीएम क्या करोगे तो कितना आएगा? 14 ही आएगा ना, 14 आएगा। अब सेम वही 2 गुणा बॉक्स माइनस 1 गुणा बॉक्स। 14 के पहाड़े में 14 एक बार आता है तो किससे गुणा करोगे यहाँ? yes, एक आएगा। 7 के पहाड़े में 14 दो बार आता है, 2 से गुणा, 2 माइनस 2/14, 2 में से 2 घटे 0/14, या हम से 0 ही लिखेंगे क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से हम
भाग देते हैं, सुन नहीं आता है। क्लियर सभी को? आप रेडी है पोल में क्वेश्चन करने के लिए? पोल में यस मैम। सभी बच्चे करना पोल में आंसर। एक बटे देखो आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट 4/5 में से, 4/5 में से 1/3 को घटाइए। सब्ट्रैक्ट 4/5, सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम 4/5। इतनी जल्दी आंसर आ गया, डबल चेक कर लेना, बार बार मैं बोल रही हूँ, आंसर को डबल चेक करेंगे सभी, सही है या गलत है ये भी चेक करना है। जल्दीबाजी में नहीं करना आंसर। डबल चेक कर लो, दोबारा से कर लो। आराम से माइनस करना, जोड़ मत देना, माइनस है तो माइनस ही करना। गुड। बढ़िया। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे करेंगे चैट में, पोल में आंसर। यस बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में किया नहीं है, कीजिए। बेटा ना अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, मतलब 7 बच्चों का गलत है। आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब आप चैट सेक्शन में सही करते हो, आप लोग कॉपी में सही शो करते हो, बट पोल में क्या हो जाता है। यस करिए चैट में आंसर। आप 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, ठीक है। 4 × बॉक्स − 1 × बॉक्स, 4 के पहाड़े 15 आता है। हाँ 5 के पहाड़े 15 आता है, 5 × 3 = 15, ऊपर 3 आ गया। 3 के पहाड़े 15 आता है, हाँ 3 × 5 = 15, बस 4 × 3 = 12, 1 × 5 = 15, 12 में से 5 जाएंगे 7 आएगा, 60/15, 20 का सही उत्तर है। यस बेटा वेरी गुड, 20 का सही उत्तर है। यस वेरी गुड, क्लियर हुआ। मतलब आप चैट में सही कर रहे हो, आप कॉपी में मुझे कितने सारे बच्चे सही शो कर रहे हैं आंसर, बट पोल में वही रिस्पॉन्स फिर कम क्यों हो रहा है। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन ये?
ठीक है, चलिए अब मैं होमवर्क वाली स्क्रीन आपको शो कर रही हूँ, कोई क्लास से जाएगा नहीं अभी। ओ, जोड़ करना है संख्याओं का जोड़। 16.1 दी थी मैंने, 16.1 के दो पार्ट दिए थे, 16.2 करके लाना है आपने, ठीक है, संख्याओं का जोड़ 16.2। क्लियर सभी को? और इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे, और प्लीज वो बच्चे जरूर